देख रहे हो कितना डार्क निकल रहा है। वाह हाँ हाँ वेलकम बैक गाइस, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और देख रहे हो सामने कितने सारे स्नो स्प्रे रखे हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट ब्रांड के। सो इस वीडियो में करेंगे इन सब की टेस्टिंग और देख सकते हैं कितने टाइप्स हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोक वाले हैं, बॉस के हैं, जो पॉपुलर पार्टी स्नो स्प्रे वो सब हैं। मैं दिखा देता हूँ, सबसे पहले ये बॉस का कलर स्नो स्प्रे जो कि छोटा वाला है, जो आपको आई थिंक ये 35-40 के समथिंग का मिलता है। बाकी इसके डिफरेंट कलर हो गए यहाँ पर। फिर है बॉस का कलर स्नो स्प्रे, जो कि छोटा वाला स्नो स्प्रे है ना, इसका बिग साइज है। ऑलराइट, ये भी आई थिंक जो 45-50 के समथिंग का मिलेगा। और उसके बाद है भाई कोक का सबसे बड़ा फंकी फोम स्प्रे, जो कि लिटरली बिग साइज का और बहुत ज़्यादा वेट है इसके अंदर। ऑलराइट, सो इन सब की टेस्टिंग करेंगे। जितने यहाँ पर कलर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे कलर्स यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बॉस वाले मैंने स्नो स्प्रे ले लिए, जो कि छोटे वाले हैं, चार डिफरेंट कलर के थे। इनको सेक कर लेते हैं चारों को एक साथ, भाई वन बाई वन करके यहाँ पर टेस्ट करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर पत्थर पर टेस्ट करते हैं। जब हम इसको स्नो स्प्रे को स्लो स्लो चलाते हैं ना, तब तो घाड़ा इसमें स्नो निकलता है, देख रहे हो हवा चल रही इधर की, इधर मैं इधर आता हूँ। सो गाइस कुछ इस तरह का फोम इसके अंदर से निकल रहा है। सो गाइस फिलहाल मैंने ले लिया ब्लू वाला, और इसकी कैप भी निकल गई भाई। अब इनको पूरा टेस्ट हम करने वाले। अब इसके ऊपर ब्लू वाला डालता हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस ये ब्लू कलर निकल रहा ना, हल्का हल्का ब्लू निकल रहा, पूरी तरह से ब्लू नहीं निकल रहा, देख रहे हो। अभी इसके अंदर है काफ़ी, अभी हम फिर से इनको टेस्ट करेंगे। अभी अभी आ गया येलो वाला, येलो वाला का नंबर इसको डाल दें। तो गाइस ये येलो वाला है, हल्का येलो। हमेशा डार्क कलर जो देखने को मिलता है ना, वो मिलता है हमेशा पिंक वाले में और रेड वाले में। तो येलो भी थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा है, अभी इसको भी रखते साइड। अब नंबर आ चुका ग्रीन वाले बॉस का, जो कि छोटे सिलेंडर हैं। और इनको चलाने का बेस्ट तरीका ये है, सेक करो इनको और रुक रुक के चलाओ। एक बार में चलाओगे तो सारी एयर निकल जाएगी, फोम भी कम बनेगा। सो गाइस अब दो स्नो स्प्रे ले लिया, दोनों को हम एक साथ स्प्रे करने वाले। हालांकि यहाँ पर हवा काफ़ी तेज चल रही, इस वाले पार्ट को भरने का फिर ट्राई करेंगे हम। नीचे गिरा दे, तो पूरा ही खाली करेंगे हम इनको। सो गाइस ये ऑलमोस्ट खाली हो चुके हैं, अब इनमें शायद कुछ नहीं बचा, अब हवा हवा बची है, पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब बचे हुए दो उनको भी खाली करते हैं। सो गाइस अब नंबर है यहाँ पर पिंक वाले का और ग्रीन वाले का। मुझे लग रहा है जो ग्रीन वाला ना, उसमें कम हो चुका है, लेकिन निकल तो सही रहा, लेकिन डार्क कलर नहीं है। जब पिंक वाला डाल देना, देखो पिंक वाला कितना गाढ़ा है। तो गाइस काफ़ी सारा देखो यहाँ पर चिपक गया पूरे पे। पूरी तरह से सेक करता हूँ फिर से। सो गाइस ग्रीन वाले का कलर ना थोड़ा बाद में आया, देखो नीचे ब्लू वाला देख रहे हो ना, ब्लू वाले का कलर भी बाद में आया। स्टार्टिंग में तो वाइट वाइट चल रहा था, बट कलर इसमें बाद में आ रहा है, और उंगली पे तो खैर चिपक नहीं रहा, लेकिन ग्रीन वाले का कलर भी बाद में आया। तो ऐसे में छोटे वाले हमने सारे चार चला दिए यहाँ पर, और देखो लक कितने प्यारे रहे अब, क्योंकि काफ़ी लेट इसमें कलर आया, देख रहे हो ग्रीन वाला ये अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है। और पिंक वाला तो खैर स्टार्टिंग में चमक रहा था, बट ब्लू वाला थोड़ा बाद में चमका। तो भाई फिलहाल जो कुछ तरह का नज़र आ रहा है। सो गाइस अब नंबर है बॉस के बड़े वाले स्नो स्प्रे का। इससे पहले जो था जो कि 35 से 40 का मिलता है, और ये मिलता है शायद 45 से 40 45 50 के समथिंग का, जो कि ऑलमोस्ट उससे बिग साइज का है। तो चारों को ट्राई करेंगे। एक और है हमारे पास, ये ऑरेंज वाला ले लिया भाई, और देखें इस बार थोड़ा अलग है, उस बार पिछली बार जो ऑरेंज नहीं था। सेक करेंगे, वाह ये तो मस्त निकल रहा है भाई ऑरेंज वाला। हालांकि कलर देखना अभी इसका डार्क होगा। उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो कि येलो वाला है। अब येलो वाला भी इसके ऊपर डालते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिर से पिंक वाला,
पूरा खाली करेंगे हम इन सबको जितने भी हैं। ये पिंक वाला ले लिया मैंने, अब येलो वाले को ऊपर डालते हैं उसको। वाह सबसे बढ़िया कलर जो आता है ना हमेशा। ओहो हो क्या बात है, क्या बात है भाई। पिंक वाले को हैं खाली कर देता हूँ मैं। भाई साहब कितना निकला इसमें, पूरा दिख रहा है ये? इसको मैं पूरा ही खाली कर देता हूँ। पिंक वाला पूरा ही खाली कर दिया मैंने। और भाई अब नंबर है ब्लू वाले का। अब एक काम करता हूँ, ब्लू वाले को मैं हाथ पे चला के दिखाता हूँ। ये ब्लू वाला है, ये हाथ पे डालता हूँ इसको। ओहो हो क्या बात है भाई, भाई कैसी लाइन निकल रही इसमें, सांप की तरह चल रहा है। सांप में आग लगाते हैं ना ऑलमोस्ट वैसे। अब ये होने वाला है खाली। तो भाई इसकी कैपेसिटी तो ऑलमोस्ट डबल है जो हमने छोटे वाले जलाए थे उससे। देख रहे हो स्ट्रक्चर गुलाब के फूल की तरह बन गया। पिंक वाला होता तो पूरा गुलाब बन जाता। अब इसमें दूसरा डालता हूँ, जैसे येलो वाला डालता हूँ इसमें, इसी के ऊपर। देख रहे हो भाई, भाई साहब कैसे निकल रहा है आइसक्रीम की तरह, काफ़ी सारा निकल रहा है यहाँ पर। अभी पत्थर के ऊपर डाल रखा है मैंने सारा। भाई साहब ये भी हो गया खाली, और जैसे जैसे हवा लगती रहेगी ना वैसे वैसे ये सारे गायब होते रहेंगे। अभी ये ऑरेंज वाला बचा है। सो भाई ऑरेंज वाला है, अब इसको पूरा यहाँ पर खाली करेंगे इसके ऊपर। नीचे करना एंगल को भाई, इसके ऊपर हमने पूरा प्लास्टर टाइप का कर दिया जो कि हवा से पूरा साफ भी हो जाएगा बहुत जल्दी। और गाइस मैं बता दूं ये नॉन टॉक्सिक है, किसी भी तरह का आपकी स्किन पे या फिर किसी भी पेड़ पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो ये भी हो चुके खाली। तो कुल मिला के गाइस ये वाले जो फोम है ना, फोम स्प्रे जो स्नो स्प्रे है वाले बॉस के बड़े वाले, इनके अंदर अच्छी खासी क्वांटिटी में निकलता है स्नो स्प्रे। और जो इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है, स्किन फ्रेंडली है और फ्रेग्रेंस भी इसकी अच्छी है। सो गाइस अब नंबर है कोक के फनकी फोम का। भाई ये बॉटल ना बहुत ज़्यादा भारी, 350 रुपये इसका MRP और 500 ग्राम के समथिंग इसका वेट रहता था, किलो के समथिंग। और इसमें जो फोम निकलता ना थोड़ा यूनिक तरीके से निकलता है, जैसे स्नो स्प्रे में निकलता वैसा नहीं निकलता। अब भाई तीनों की टेस्टिंग करेंगे, एक ऑरेंज है इसमें, एक ब्लू है, और जो यहाँ पर ये पिंक बोल सकते हैं या रेड बोल सकते हैं, जैसा भी निकलेगा। लेकिन ये डार्क होता है बहुत ज़्यादा और कलर भी काफ़ी ज़बरदस्त छोड़ता है। ये ऑरेंज वाला हो गया, अब मैं इसको हाथ में डालता हूँ, ठीक है। अब ये है ना, ये कलर छोड़ेगा यहाँ पर, अब किस तरह से निकल रहा है देख रहे हो, क्रीम की तरह निकल रहा है पूरा। वो कितना डार्क है भाई, इसमें कोई सा भी कलर हो ना, कोक का फनकी फोम जाता ना जिस कलर का होगा वही कलर निकलेगा। कि ब्लू वाला स्नो स्प्रे निकलता है ना बहुत कम निकलता है, आप देखो यहाँ पर कितना निकलेगा, ये देख रहे हो कितना डार्क निकल रहा है, जो कि डार्क ब्लू कलर छोड़ेगा। देखो अब हाथ पे मेरे ऑरेंज भी चिपक चुका और ब्लू भी चिपक चुका पूरी तरह से। अब इसने छोड़ भी दिया देखो कलर, तो ऐसे में डार्क कलर चाहिए ना विद क्वालिटी और जो स्किन फ्रेंडली भी हो, तो भाई फनकी फोम बेस्ट है। अब मैं फनकी फोम के पिंक वाले को ट्राई करता हूँ। ओ भाई देख रहे हो क्रीमी सा निकल गया इसमें, और ये भी कलर छोड़ेगा। मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर। भाई साहब ऐसा फील आ रहा है इसमें जैसे कि मक्खन रगड़ रहा हूँ मैं, मक्खन वाला पूरी वाइब्स आ रही इसमें, जिसने अभी कलर नहीं छोड़ा। एक काम करते हैं एक्सप्रेस पे मारते हैं। अब इसी के ऊपर मारता हूँ मैं ऑरेंज वाले का स्प्रे। अब भाई देखो क्या अमेजिंग लग रहा है, नूडल्स टाइप का फील आ रहा होगा अभी इसे देख के। अब जो ब्लू वाले का नंबर है, अब ये ब्लू वाले को इसके स्प्रे मारता हूँ। वाह 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 गाइस देख रहे हो, भाई साहब ब्लू वाला तो यहाँ खतरनाक चिपक रहा है, भले इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डेंजर है ब्लू वाले का। और देखो पिंक वाले का हल्का कलर आया मेरे हाथ में, ब्लू वाला पूरी तरह से डार्क आ गया, और इससे पहले ऑरेंज वाला उसका भी हल्का आया था, लेकिन ब्लू वाला यहाँ पर खतरनाक चमक रहा है। और देखो लक कितना अमेजिंग रहा यार, देखो ऊपर से लेके नीचे तक नूडल्स की तरह लग रहा है। तो गाइस ये काफ़ी मतलब देखो महंगा तो है, 300 रुपये के समथिंग या फिर 200-250 के समथिंग भी मिल सकता है, MRP इसका 350 रुपये है। तो ऐसे में काफ़ी यूनिक आइटम है, तो ऐसे में मुझे लगता है आपका बजट सही है तो ये मंगा सकते हैं। और फ्रेग्रेंस की बात करें ना,
फ्रेगनेंस इसकी सबसे बढ़िया है अभी तक के जितने भी हमने स्नो स्प्रे यहाँ पर टेस्ट किए ना, उनमें सबसे बेस्ट स्नो है ये फंकी फोम। फ्रेगनेंस काफ़ी अमेजिंग है और कलर भी इसका डार्क है और स्किन फ्रेंडली तो है ये। ऐसे में इस वीडियो में हमने की काफ़ी सारे स्नो स्प्रे की टेस्टिंग, इन सब में आपका फेवरेट कौन सा रहा, साथ ही आप लेकर आए खरीद के कितने रुपए में जहाँ आपको स्नो स्प्रे मिल रहे हैं। वीडियो पर तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर जोड़ सकते हैं दोस्तों, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।